खबर बलिया जनपद से। नशा कोतवाली क्षेत्र के सिंघाई चट्टी के समीप शुक्रवार की रात्रि लगभग 8:30 बजे छुराबाजी में एक की मौत हो गई तो वहीं दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार 35 वर्षीय देवेंद्र कुमार चौहान पुत्र रामकृष्ण चौहान महाराजपुर को सिंघाई चट्टी पर शुक्रवार की रात्रि लगभग 8:30 बजे कुछ लोग मिलकर मार रहे थे। तभी इस रशा से दशहरा का मेला देखकर महाराजपुर घर लौट रहे बाइक सवार 25 मयंक चौहान पुत्र रामजीत चौहान महाराजपुर थाना रशा व 20 वर्षीय सुनील पुत्र जोगिंदर थाना रशा सिंघाई चट्टी पर पहले से ही हो रहे मारपीट को देख रुके और बीच बचाव करने लगे। बीच बचाव में दोनों युवकों को गंभीर चोटें आई। मारपीट व बीच बचाव में तीनों घायल हो गए। घायलों को रशा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया जहां हालत गंभीर देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद देवेंद्र को रेफर कर दिया गया। परिजन उसे बेहतर इलाज के लिए वाराणसी ले जा रहे थे लेकिन देवेंद्र ने रास्ते में ही शनिवार की भोर में ही दम तोड़ दिया। किन कारणों से चाकूबाजी हुआ इसका अब तक स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाया। रशा पुलिस ने तहरीर के आधार पर दो नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई में जुट गए हैं। जय श्री चौहान। जोर से बोला जय श्री चौहान। थाना पहल बोला था, क्या मामला बा? अरे वह लड़का मर गया है तो थाना पर जो मौलजी में उसको पकड़वाने के लिए। कौन लड़का मर गया? जो देवेंद्र चौहान। कैसे मर गया? अब छुड़ा लगा था वो मर गया। कहाँ छुड़ा लगा हुआ था? सिंघाई काली माई का स्थान था। अच्छा, मतलब कितने लोग थे कुछ जानकारी है विधवर? अब पारा पारी वो लोग तीन लड़के गांव का हैं, तीनों को छुड़ा लगा है। अच्छा, इनका क्या क्या नाम है? एक देवेंद्र पुत्र रामप्रीत, मयंक पुत्र रामजीत, सुनील पुत्र जोगिंदर। कितने साल के होंगे सर? 32 वर्ष देवेंद्र, 20 वर्ष मयंक, 18 वर्ष सुनील। किसकी मौत हुई है? देवेंद्र चौहान। ये तीनों कहाँ के हैं, निवासी कहाँ? महाराजपुर के। महाराजपुर के हैं। कहाँ से आ रहे थे? मेला देखकर जा रहे थे घर। कब ही घटना है? लगभग 8 बजे। 8 है कल रात 8 बजे। मयंक चौहान। क्या मामला हुआ था रात में? मामला ये हुआ था कि मैं बाइक से वो आ रहा था मेला देख के। कितने लोग थे आपके साथ? हम लोग दो लोग थे बट एक जने उतर के चले गए। वहाँ पे कुछ विवाद चल रहा था, कुछ मतलब हमारे गांव कुछ लोग थे और बाहरी कुछ लोग थे जिनको पुलिस ने भी पकड़ लिया है। विवाद चल रहा था, झगड़ा वगड़ा हो रहा था और इनको मतलब ज़्यादा ही मार रहे थे। मैं बीच बचाव करने के लिए गया था और हमें भी लोगों ने छूड़ा मारा और बेल्ट से भी मारा जो फटा हुआ। किसको मार रहे थे ज़्यादा? वो हमारा एक गाँव के चाचा लगेंगे और बिद्यत कर गए हैं। अच्छा, क्या नाम है? देवेंद्र चौहान नाम है। उनको मार रहे थे? उनको मार रहे थे। और आप बीच में गए? हाँ, हम उनको छुड़ाने के लिए गए तो फिर वो लोग उनको छोड़कर ज़्यादा ही मार दिया था, मरने की स्थिति में आ गए थे। उसके बाद फिर मेरे को ही फिर 5 लोग मिलकर मारने लगे। कौन कौन मारा आपको कुछ पता है? अब पुलिस ने पकड़ लिया है, अब पुलिस विभाग से जाकर ले ली डाटा। कहाँ ये घटना हुई? सिंघाई चट्टी पे। सिंघाई चट्टी पे हुआ था। ये बताएंगे कि जो आपके चाचा लगते हैं उनको क्यों मार रहे थे लोग? अब ये वाला चीज़ हमको नहीं मालूम है, वो लोग खुद कुछ बताए हैं क्योंकि मैं बाद में गया था। और वो चीज़ मैं कैसे कह सकता हूँ कि वो क्या किया? जिन लोगों ने आपके ऊपर हमला किया उन लोगों का नाम और कुछ अटा बता जानते? ना, हमको नहीं पता, विभाग से मिल जाए। कितने लोग आप लोग को चोट लगी है? हमारे पास 3 लोगों को चोट लगी है जिसमें एक डेथ कर गए हैं और हमको ही मारा गया है और एक हमारे साथ में एक लड़का सुनील चौहान उसको ही मारा गया। थाने में तहरीर हो दी थी? सब चीज़ हो चुका है। तहरीर दे चुके हैं? हाँ। कल दिनांक 15 अक्टूबर 2021 को रात्रि में रसड़ा में सिंघई चट्टी के पास दो पक्षों में विवाद हो गया जिसमें एक पक्ष द्वारा चाकू से हमला किया गया जिसमें एक लड़के को गंभीर चोट लगी थी जिसे इलाज हेतु जनपद चिकित्सालय बलिया से वाराणसी रेफर किया गया था जिसकी रास्ते में मृत्यु हो गई। इस संबंध में थाना रसड़ा पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इस घटना में नामजद दो अभियुक्तगण को हिरासत में ले लिया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।